फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू वीडियो, जिसके अंदर आज हम ये जो फुली ऑटोमेटिक IFB की जो वॉशिंग मशीन है, इसके पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं और कौन सा पार्ट्स किसके लिए जो है या फिर उसकी क्या जो वर्किंग है, वो सब आज इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे। और कहाँ कहाँ जो इसके कैसे हम इसको ओपन करते हैं, सारे जो पार्ट्स इसकी एक एक पार्ट्स को खोलते हैं, जो स्टूडेंटों की मदद से आज हम इसको पूरा खुलवाने वाले हैं आपके दिखाने के लिए कि एक पार्ट्स इसके अंदर कहाँ कौन सी मोटर है, उस मोटर का क्या कार्य है, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि आपको यहाँ पे जो है, जो आपको दिखाई दे रही है, जो इसकी डिस्प्ले है, यहाँ से इसको जो प्रोग्राम किया जाता है कि कपड़ों आपको किस तरह से वॉश करना है, कितने टाइम के लिए जो वॉश करना है, यहाँ से एक बार प्रोग्राम सेट करने के बाद पीसीबी से ये ऑटोमेटिक जो है, जो इसके अंदर पानी है या कपड़े का जो वॉशिंग है, वो अपने आप जो है कर देती है वॉशिंग मशीन। ये पूरा उसको वॉश करने के बाद में उस कपड़े को निकालना होता है। तो इस आइए देखते हैं इसके अंदर कि ये किस तरह से इसको ओपन करते हैं और कहाँ कहाँ इसका कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ होता है इसके अंदर। तो जैसे कि हम सबसे पहले इस पैनल को जब हम खोलते हैं तो इसके नीचे जैसे इस प्रकार की आपको PCB देखने को मिलेगी। यहाँ से जो आपको स्विच दिख रही है, अलग अलग यहाँ पे जो कमांड देने के लिए लगा रखी है, और इस तरह से जो है इसके वायरिंग के पीछे की तरफ जो है आपको कनेक्टर लगे हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मोटर्स के लिए गए हुए हैं। जैसे ये आपकी वॉश मोटर के लिए चला गया कनेक्टर, ये जो है इसकी मेन सप्लाई आई हुई है। इस तरह से यहाँ से अलग अलग सप्लाई गई है, कोई आपकी ड्रेन मोटर को गई है, कोई इनलेट मोटर के लिए गई हुई है। अलग अलग इसके अंदर दो इनलेट मोटर यूज की गई है, एक गर्म पानी के लिए, एक ठंडे पानी के लिए। इस तरह से इसकी अलग अलग वायरिंग की एक हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे इसकी जो पूरी वायरिंग है पीसीबी के साथ जो कनेक्टिविटी है उस वो किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए अब और इसका देखते हैं कि इसके अंदर जो मोटर है वो कहाँ कहाँ पे इसके अंदर लगी हुई है। तो उसको देखने के लिए हम सबसे पहले जो इसके जो स्क्रू है खोलते हैं। स्क्रू खुलने के बाद ये जो पूरा पैनल है, इसका ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा निकल जाता है इस तरह से। इसके अंदर कुछ वायर लगी होती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वायर लगी हुई है, इनको भी हम कनेक्टर निकाल करके आराम से जो पीसी के साथ कनेक्टर लगे हैं से अलग करके इसको पूरा अलग कर खोलते हैं। कनेक्टर निकालने के बाद आपकी जो ये पूरा जो PCB है निकल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जैसा कि हम यहाँ पे बताएं, ये जो इसकी जो ये आपको पाइप दिखाई दे रही है, ये वाटर लेवल के लिए है। यहाँ पे वाटर लेवल लगा हुआ है, उसको इसके अंदर जैसे ड्रम के अंदर पानी इसके अंदर जब आना स्टार्ट होता है इनलेट मोटर से, तो PCB को पता है इस पाइप के जरिए ही पता चलता है कि इसके अंदर जो है इतना जो वाटर है वो ड्रम के अंदर जो है आ चुका है, और वो उसको मोटर को जो है इंजेक्ट मोटर को मूव करवाती है। यहाँ पे जो है दो इंजेक्ट मोटर लगी हुई है, अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह की जो मोटर है इंजेक्ट के लिए वो यूज होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका ड्रम है, ये ड्रम जो है ये जो बैलेंसिंग रॉड है इनके ऊपर जो है लगा हुआ होता है, चार बैलेंसिंग रोड हैं चारों कोनों के अंदर। बाद में हम दिखाएंगे कि बैलेंसिंग रोड किस प्रकार की होती है। ये पूरा जो है बैलेंसिंग रोड के ऊपर ही टिका हुआ होता है। तो अब हम आपको दिखाते हैं
कि इसके अंदर कौन कौन सी मोटर जो है यूज होती है, यहाँ से जो है पानी आता है मोटर से या सर्फ वगैरह जो होता है वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। बाद में अपने आप जैसे जैसे पानी आता है गर्म या ठंडा, उसके साथ ये मोटर जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो है सर्फ इसके अंदर जाता रहेगा, मिलता रहेगा। ये देखिए हमने जो उसकी पीसीबी है उसको अलग कर दिया है। तो इस प्रकार की आपको जो है पीसीबी की जो वायर थी वो हमने पूरी बाहर निकाल दी। पूरी बाहर निकालने के बाद हम इसको खोलते हैं पूरा, ताकि हम जो है इसकी इनलेट मोटर को जो है निकाल सकें। इसके लिए आपको जो ये है पूरा पैनल, यहाँ से जो कुछ स्क्रू लगे होंगे या लॉक होंगे उनको खोलना होता है। इनको खोलते हैं हम। लॉक को खोलने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये इसके अंदर जो है डोर स्विच लगा हुआ है। जैसे ही देखिए डोर को ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ जाता है, और जैसे ही हम डोर को बंद करते हैं तो ऊपर की तरफ आता है। तो ये दोनों जो वायर हैं, ये जो इसके अंदर जो पत्ती लगी है डोर से रिलेटेड, वो आपस में चिपक जाती है जैसे ही डोर को हम बंद करते हैं। और जैसे ही हम खोलते हैं तो पत्ती जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसलिए जो है सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। आप देखते होंगे वॉशिंग मशीन में जैसे ही हम डोर को उठाते हैं तो अपनी जो मशीन का जो ड्रम होता है वो एकदम से जो है उस ब्रेक लग जाते हैं, वो तुरंत वहीं पे जो है रुक जाता है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ जो सप्लाई है वो तुरंत जो है कट हो जाती है, और साथ में जो ब्रेक है यहाँ से जो ब्रेक लगा हुआ है वो ब्रेक भी इसको रोक देता है ड्रम को। और इसके साथ में जैसे हमें जो दिखाई दे रही है ये दो अलग अलग मोटर लगा रखी है, ये इनलेट मोटर है। इनलेट मोटर ये एक गर्म पानी के लिए है, एक ठंडे पानी के लिए है। जैसे जैसे इसको चाहिए होगा पानी, जितना भी गर्म या ठंडा प्रोग्राम जैसे आपने किया होगा, हमने जैसे पहले दिखाया था डिस्प्ले के अंदर जो प्रोग्राम करते हैं हम, जो फ्रंट में जो डिस्प्ले लगी हुई थी उसके अनुसार हम जैसा प्रोग्राम करते हैं उसी अनुसार ये मोटर इनको मोटर को रन करवाती है पीसीबी, और गर्म और ठंडा पानी यहाँ से इस ड्रम के अंदर जो है मिलता है। ये जो मैंने वाटर लेवल के बात की थी कि ये जो पाइप लगा हुआ है ये वाटर लेवल के लिए, क्योंकि ये वाटर लेवल को सेंस करने के लिए जो है लगी हुई है ये मोटर, ये वाटर लेवल को जो है सेंस करता है। अब अगर इसकी और वाश मोटर की अगर बात करें तो वाश मोटर को दिखाने के लिए हम इसको पीछे से पूरा खोलते हैं। हमने जो इसका बैक जो कवर है इसको खोलने के बाद अब जो वाश की जो मोटर है और जो ड्रेन की जो मोटर है वो दोनों इसके नीचे की तरफ लगी हुई है। जैसे कि अगर आपको फोटो के अंदर से अगर दिखाई दे रहा हो तो ये जो मोटर है ये वाश के लिए जो मोटर लगी हुई है, और इस तरफ अगर हम बात करें तो ये अपना जो ड्रेन पाइप है यहाँ से होते हुए उसके साथ भी एक जो मोटर लगी हुई है। अगर ड्रेन मोटर की बात करें तो आप हम इस ड्रम को पूरा बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ड्रेन मोटर जो है किस प्रकार की जो हमें दिखाई देती है। अब हम इसका जो पूरा ड्रम निकालने के लिए खोलते हैं मेरी जो इस वॉशिंग मशीन को। इसके लिए हम सबसे पहले तो इसके जो नॉब के साथ जो लॉक लगे हम वायर को निकाल देते हैं, ताकि हम इसके साथ इस प्रकार से जब स्विच लगा हुआ है अब हम इसको निकालते हैं। इसको अब हम इस बैलेंसिंग रोड की को उठा करके इस प्रकार से आप करिए वहां से निकालो। अब इन बैलेंसिंग रोड को उठा करके इस प्रकार से आपको और ये निकालनी होती है। जैसे हमने जो ये है इसकी बैलेंसिंग रोड निकाल दिया तो ये पूरा ड्रम जो है बाहर निकल के आ जाएगा।
चार बैलेंसिंग रोड के ऊपर ये जो है ड्रम लगा होता है, इसके लिए हमें जो इसके ड्रेन पाइप है उसको निकालना होगा। पीछे नीचे से ड्रेन पाइप निकाल दीजिए। ड्रेन पाइप को निकालने के बाद हम इसको पूरा जो है बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ से हम जो वाटर लेवल का पाइप था उसको निकाल देंगे। वाटर लेवल का पाइप निकलने के बाद हम इस ड्रम को इस प्रकार से पूरा बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये पूरा ड्रम आपका बाहर आ चुका है। इस ड्रम के नीचे की तरफ ही आपकी जो हम मोटरें लगी होती हैं, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो दिखाते हैं आपको, ये कुछ इस तरह से होता है। ये जो मोटर है ये आपकी ड्रेनेज के लिए मोटर लगा रखी है। ये मोटर जैसे ही चलेगी तो ये इस प्रकार से कुछ खींचेगी इसको, और जो पानी है वो बाहर जो है निकल जाएगा ऑटोमेटिक मोटर के थ्रू। ये आपको ये जो वायर दिखाई दे रहा है वो जैसे ही रन करेगा तो ये ड्रेन से पाइप पानी है जो है आउट हो जाएगा। ये वॉशिंग के लिए जो मोटर है हमने अभी बताई थी आपको कि इसके नीचे जो वाश के लिए मोटर लगा रखी है, ये फैन बेल्ट से होते हुए आपकी, और ये गियर बॉक्स है इसका, पूरा गियर बॉक्स से कनेक्ट कर रखी है। ये वाटर को सेंस करने के लिए लगा रखा है, वाटर सेंसर है ये जो है, वाटर सेंस के लिए लगा रखा है। ये देखिए इसके साथ ये जो वाटर लेवल का जो पाइप है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कौन कौन से पार्ट्स जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर जो लगे हुए होते हैं, हमने आज आपको दिखाए कि इसके अंदर कहाँ पे जो है इसकी इनलेट मोटर लगी होती है, ड्रेन मोटर लगी होती है, और वॉश के लिए जो मोटर लगी होती है, यहाँ से जो इसका है ड्रेन पाइप निकलता है, या और ड्रम किस तरह से इसका निकाल सकते हैं, इस तरह की जो इसकी जो बैलेंसिंग रोड होती है जिनके ऊपर ये पूरा ड्रम होता है, उन ड्रम को रोकने के लिए इस तरह की जो बैलेंसिंग रोड का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इनको मोटर वगैरह को हम चेक करते हैं कि ये खराब है या सही है, किस तरह से उसको रिप्लेस करते हैं। अगर कोई मोटर खराब होती है तो उसको हम किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।